हेलो बच्चों आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा कन्वर्स। क्या कहती है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, पहले हम समझ लेते हैं खाली, फिर लिखना शुरू करेंगे। एक ट्राइंगल है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब एक ये ए बी सी है, ये डी ई सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमको दे रखा है। देन द लाइन इज़ पैरेलल, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, अगर ये गिवन है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मतलब हमको प्रूव क्या करना है इसमें, डी ई पैरेलल है बी सी। पहले चलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे। वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये लाइन पैरेलल है, मतलब ए बी सी वो डी ई, वो थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम 6.1, कि अगर बी सी और डी ई, मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के, तो लाइंस का ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब हमें क्या दे रखा है, लाइंस का रेशियो इक्वल दे रखा है, अब हमें इसको पैरेलल प्रूव करना है। ये सब आपको लिखना नहीं था, अब मैं लिखवाऊंगी, अब ध्यान से लिखिएगा। तो देखो बेटा, इसमें गिविन क्या है हमको, इसने क्या दे रखा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मीन्स सपोज आपका ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये डी ई है, तो ये सेम रेशियो में, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको गिवन है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बच्चे ये चीज़ हमको गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। देखो बेटा, साइड्स का रेशियो इसने बराबर दे रखा है, अब हमको ये पता है कि इसके पैरेलल होगी, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। तो लेट अस अज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल, डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, ओके, ये हमारी बी सी से पैरेलल नहीं है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, फिर इसमें कंस्ट्रक्शन ए डॉट, नाउ ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी इस तरीके से, डी वर्टाइसेस मान के ये F, और हमने क्या कहा है कि डी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो देखो, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होगा, किससे, बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम। और हमको गिवन क्या था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये देखो ये गिवन है ना, हमको ये चीज़ गिवन दे रखी थी, यहाँ लिख देंगे गिवन। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट पीपीटी वाला, ये हो गया हमारा सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या निकल के आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, ए डी डी बी ए एफ एफ सी के बराबर है, ए डी डी बी ए ई ई सी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एफ एफ सी ए ई ई सी के भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब इनके एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस भी बराबर होंगे। अब बच्चा देखो, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि हमको प्रूफ करना है कि जो है डी ई पैरेलल है ई सी के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
AFFC है और AEEC है। तो हम 9th क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री में सीख करके आए हैं कि अगर हम 1 प्लस कर दे दोनों साइड और 1 माइनस कर दे दोनों साइड तो हमारा कोई भी इक्वेशन पे अंतर नहीं पड़ता है। हमारा आया ना AF/FC इज इक्वल टू AE/EC इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो हम लिख देते हैं आगे एड 1 बोथ साइड्स, जो हमारी अभी ये जो इक्वेशन निकल के आई थी उसमें हम 1 ऐड करेंगे। इक्वेशन क्या थी, AF/FC प्लस 1 AE/EC प्लस 1। अब बेटा जब FC देखो AF+FC, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, FC और 1 का LCM 1, और आपको फिर FC डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से इसके नीचे 1 लगा लिया तो EC LCM आ गया, EC से EC कट गया AE, और यहाँ पर EC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो EC। अब देखो अगर आप अपना ये फिगर रिमाइंड करो तो ये ABC था, ये DE था और ये हमने F कंस्ट्रक्ट किया था। AF FC क्या बनेगा आपका, AC बनेगा, है ना, और आपका नीचे FC, और अगर AE/EC हम जोड़ें तो AE/EC क्या बनेगा आपका, AC बनेगा और आपका नीचे क्या आएगा, EC आएगा, है ना बच्चा। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं हमारे, चाहे तो हम डायरेक्टली AC/AC को 1 बाय करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, हम कर सकते हैं AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो AC इंटू EC और AC इंटू FC। अभी आपका EC यहाँ बढ़ेगा, AC इंटू FC अपॉन में आपका AC, क्योंकि मल्टीप्लाई में EC की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम AC से AC कैंसिल आउट हो गया, EC इज इक्वल टू FC। अब ये कह रहा है EC और FC दोनों बराबर हैं। देखो बच्चे अगर हम डायग्राम फिर से ड्रॉ करके देखो, अगर हम रिकॉल करें तो DE और F, क्या E और F सेम जगह पर है, एक ही पॉइंट है, नहीं। EC और FC दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन EC और FC कब बराबर हो सकते हैं, जब E और F, मतलब F पॉइंट जो है वो को इंसाइड होगा किस पर, E पर, मतलब F बिंदु अलग ना होकर E के जस्ट ऊपर ही एक बिंदु होगा। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इज EC FC कब बराबर हो सकता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F are coincides, मतलब अगर ये जो है आपका F E के ऊपर ही होगा तभी हमारा AE और EC और FC बराबर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमने अज्यूम किया था, बट वी अज्यूम DF parallel BC, so DE parallel BC। भाई हमने D और DF को parallel assume किया था BC के, तो जब DF, F और E अलग अलग पॉइंट नहीं है, और जब हमने assume किया है कि DF जो है parallel है BC के, तो DE भी parallel होगा BC के, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा, अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।